हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इसका बेस मेकअप है वो मैंने फ्लिपकार्ट कॉम्बो मेकअप मंगवाया था, और काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में मुझे मेकअप प्रोडक्ट एंड ब्रश दोनों मिल गए थे 300 के अराउंड। दोनों ही मैंने अलग अलग कॉम्बो में लिया है। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट में ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मुझे वो पानी टाइप लगा कुछ, एंड फाउंडेशन में ब्लेंड कर रही थी तो मुझे स्किन पे दिखाई नहीं दे रहा था गाइस। एंड बाद में मैंने एक लेयर लगा ली, एंड उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से दूसरी लेयर लगाई, तब जाकर मुझे थोड़ा सा यू नो अच्छा लगा, लाइक हाँ मुंह पे कुछ लगाया है टाइप। ओके, सो मुझे ये कॉम्बो अराउंड 206 में मिला था, एंड ब्रश का जो है वो 150 में मिला था कुछ। एंड मैं उसे ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लिया है फाउंडेशन को, एंड उसके बाद कंसीलर लगाई। कंसीलर मैंने अपना खुद का ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे उसमें नहीं मिला था। मैंने यहाँ पे यूज़ किया इनसाइड का कंसीलर, एंड ये भी काफ़ी अच्छा एक कंसीलर ऑप्शन है अगर आप बिगनर हो तो मेरी तरह। एंड मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से डैप डैप करके। आपको हमेशा जो भी फाउंडेशन है या फिर कुछ भी आप बेस मेकअप में करते हो तो आपको डैप डैप करके ही यूज़ करना चाहिए। एंड ये लूज पाउडर है मैक का, ऑफ कोर्स ये रियल नहीं है, और इसके अंदर ये इतना टाइट था मुझसे निकल ही नहीं रहा था, लाइक बहुत ही अंदर घुसा हुआ था। एंड ये कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही कागज़ की तरह लग रहा है। एंड मैंने उसको ब्रश के हेल्प से जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था उसके ऊपर लगाया है। एंड यही लूज पाउडर मैं अपने पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं मिला था। एंड इस ब्रश की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाइस, लाइक बहुत ही अच्छी। एंड ये है कॉन्टोर स्टिक, यहाँ पे आपको कॉन्टोर एंड हाइलाइटर मिल जाता है, बट मुझे ये हाइलाइटर कम और कंसीलर ज़्यादा लगा क्योंकि इसमें कोई पिक में मतलब कुछ था ही नहीं, लाइक कंसीलर ही लग रहा था। एंड कॉन्टोर टूट ही जा रहा था, लाइक स्टिक टूट ही जा रही थी, लाइक कॉन्टोर और ये जो भी हाइलाइटर बोलो या कंसीलर दोनों, ये मुझे थोड़े डिसपॉइंट लगे, लाइक घटिया घटिया लगे। सो या ब्लेंड तो काफ़ी अच्छे से हो गया था, एंड कॉन्टोर दिख भी रहा है थोड़ा। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर दिया है, एंड मैं ये दूसरी तरफ भी कर दूंगी। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड मैंने ये पाउडर पूरे अपने फेस पे लगाया है। सारे प्रोडक्ट के नेम एंड प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर टाइम मिला तो। ओके, सो नेम सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड प्राइस भी दे दूंगी, एंड डिलीवरी चार्ज कितना लगा वो भी मैं बता दूंगी। एंड मैं अब आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। लाइक मैंने स्विस ब्यूटी पैलेट ली है, एंड उसमें से ब्राउन शायद कलर लिया है। हाँ, तो मैं अपनी पूरी आई लिड पर लगा रही हूँ। एंड ये काफ़ी सिंपल लुक है, लाइक मैंने दो ही कलर यूज़ करके ये आई मेकअप किया है। एंड ये गोल्डन शिमर शेड लगा रही हूँ अपनी आई लिड पर। आप जब भी कोई भी कलर ले तो इसको एक बार डैप कर ले, बाद में यूज़ करें, इसके कारण आपको मतलब आपके चेहरे पे कुछ गिरेगा नहीं पाउडर। एंड आईलाइनर एंड काजल मैंने लगा लिए क्योंकि मुझे इसे नहीं फा रहा था,
एंड अभी मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ब्लश के लिए मैं अपनी पैलेट में से पिंक शेड ले रही हूँ एंड डैप कर रही हूँ उसे अपनी आई पैलेट पे एंड ब्लश लगा रही हूँ अपनी पे। ओके सो या ब्लेंड कर रही हूँ एंड मैं अभी देखो हाइलाइटर टूट ही गया। लाइक मुझे ये हाईलाइट लग रहा ही नहीं है बट कंसीलर ही लग रहा है। ओके मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लाइक कॉन्टोर तो फिर भी मुझे अच्छा लगा बट ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मतलब हाइलाइटर के नाम पे कंसीलर दे रहे हैं। एंड अब मैं अपना लिपस्टिक लगा रही हूँ। कॉम्बो काफ़ी अच्छा है। लाइक फाउंडेशन आप दो बार लगाओगे तो अच्छी खासी लेयर मिल जाएगी आपको। एंड अभी मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ फिक्सर। ये काफ़ी अच्छा, इसमें मुझे रोज़ की फिंगरेस आ रही थी। लाइक ये मुझे बहुत ही पसंद आया सब में। एंड ये मेरा फाइनल लुक। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड